एब्स एब्स एब्स, सबको एब्स चाहिए। मेरे काफ़ी दोस्त है, मेरे काफ़ी ऐसे क्लाइंट हैं जिनको ज़िंदगी में एक बार तो एब्स चाहिए। उनको क्या खा लूँ, क्या कर लूँ, कैसा उनको एक बार एब्स आ जाए, बस विजिबिलिटी आ गए, फोटोशूट करके उनको बस वो एक बार अचीव करके ख़त्म करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, एब्स खाली एक्सरसाइज से नहीं आने वाले। आपका डाइट और आपकी डेली रूटीन दोनों प्रॉपर होना ज़रूरी है। बहुत से मेरे दोस्त है, फ्रेंड्स है, क्लाइंट्स है, जो मुझे मैसेजेस इंस्टाग्राम फेसबुक पे कहीं ना कहीं मुझे मैसेज ड्रॉप करते हैं, और उनका प्राइम क्वेश्चन यही रहता है कि उनको सिक्स पैक्स एब्स चाहिए। और पठान के बाद में अगर एक 56 ईयर ओल्ड के एक्टर इतने अच्छे एब्स निकाल सकता है तो हम क्यों नहीं। उनको सिक्स पैक्स एब्स चाहिए लेकिन उन्हें तरीका नहीं पता है कि कैसे अचीव किया जाए। आपको मैं आज बताऊंगा कि 20 मिनट्स का प्रॉपर एब्स वर्कआउट, कौन से मसल कैसे टारगेट करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं आपको पूरी इसकी डिटेल दे दूंगा, जो आप घर में हो या जिम में हो आसानी से कर सकते हो अपने बॉडी वेट से। एक्सरसाइज नंबर वन, कीप योर लेग्स वर्टिकली अप, हाथों को सर पे भी रख सकते हैं, शोल्डर पे भी। इसके आपको करने हैं 20 रेपिटेशन एंड 3 सेट्स। एक्सरसाइज नंबर टू, रिवर्स क्रंचेस। आपको इसके करने हैं 20 रेपिटेशन इनटू 3 सेट्स। एक्सरसाइज नंबर 3, सीजर्स। आपको 3 सेट करने हैं, 10 रेपिटेशन ईच लेग करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, ट्रंक रोटेशन। दोनों हाथ आपके बाजू में रहेंगे, लेग्स आपका वर्टिकली अप क्रॉस रहेगा। एक बार आप राइट फुट को आगे रखोगे, एक बार लेफ्ट फुट को आगे रखोगे। आपको हर बार सेट में अपना फुट पोजीशन चेंज करना है एंड आपको लेग्स को साइड में लेके जाना है विदाउट रोटेटिंग योर अपर बॉडी। सिर्फ आपका पेल्विक रोटेट होगा, अपर बॉडी एज इट इज ऐसी रहेगी। इसके आपको 10 रेपिटेशंस करने हैं इनटू 2 सेट्स। एक्सरसाइज नंबर 5, ट्विस्ट एंड टच। लेग्स को वर्टिकली अप आपको रखना है, दोनों हाथों को ऐसा क्रॉस रखना है, आप अपर बॉडी नेक को कॉन्स्टेंटली एंगेज करोगे एंड आपका राइट हैंड लेफ्ट लेग की तरफ जाएगा और आप देखोगे कि लेफ्ट लेग थोड़ा आगे आ रहा है, लेफ्ट हैंड राइट लेग की तरफ बढ़ेगा और फुट भी चेंज हो रहा है, मेरा राइट आगे आ रहा है, लेफ्ट पीछे जा रहा है। इसके आपको 50 रेपिटेशन ईच साइड 3 टाइम्स करने हैं। सिक्स्थ एक्सरसाइज, प्लैंक हिप रोटेशन। आप प्लैंक पोजीशन में जाओगे, आप हिप को एंगेज रखोगे, एलिवेट योर पेल्विक, बी ऑन योर टोज। आपका टोज आगे भी नहीं होना चाहिए ड्रॉप और पीछे भी नहीं होना चाहिए, रोटेट योर पेल्विक ईच साइड। ये करते वक्त आपकी नेक चिल रहेगी। इसके आपको 20 रेपिटेशन इनटू 3 सेट्स करने हैं। सेवेंथ एक्सरसाइज, लैटरल क्रंचेस। आपको साइड प्लैंक पोजीशन में रहना है, बस डिफरेंस ये रहेगा आपका लोअर लेग जो है वो बेंड रहेगा और आपका शोल्डर बराबर आपके एल्बोस पे रहेगा। मैं लेफ्ट साइड आपको बता रहा हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड मेरे ऑसिपिटल बोन पे सर के पीछे की तरफ में है, लेफ्ट फुट एलिवेटेड है। इसके आपको 15 रेपिटेशन इनटू 3 सेट ईच साइड करने हैं। एट एक्सरसाइज, फ्रंट फोल्ड। आपको पूरा स्ट्रेट लेटना है, आपकी नी को चेस्ट तक लाना है और साथ में आपको अपर बॉडी क्रंच करनी है, लेग्स को एलिवेट किया, अपर बॉडी को एलिवेट किया। इसके आप 20 रेपिटेशन इनटू 3 सेट कीजिए। नाइन्थ एक्सरसाइज, रशियन ट्विस्ट। आपको पैरों को आगे रखना है, फोर्थ जनरेशन के लिए आपको पैरों का डॉर्सिफ्लेक्शन रखना है, स्लाइटली पीछे टिल्ट होगे, आप राइट में रोटेट करके फ्लोर को लेफ्ट हैंड से टच करने की कोशिश करो, इसमें आपकी रेंज ऑफ मोशन हिट होने के चांसेस बढ़ेंगे। नाउ रोटेट, आपको पीछे गिरना नहीं है। ये करते समय आपका ध्यान रहना चाहिए कि आपका पैर थोड़ा वाइडर। इसके 15 रेपिटेशंस के आप 3 सेट कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 10, लास्ट एंड द बेस्ट एक्सरसाइज, साइक्लिंग क्रंचेस। आपको लेग्स को वर्टिकली अप रखना है, राइट एल्बो लेफ्ट नी, लेफ्ट एल्बो राइट नी।
इसके आप 3 सेट करोगे और हर एक सेट में रेपिटेशन मैक्सिमम होना चाहिए। आप तब तक करते रहोगे जब तक आप नहीं थक जाते। होप आपको ये एप्स का 20 मिनट्स का वर्कआउट पसंद आया होगा। इसमें मैंने कोर के सारे मसल्स को कवर किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपकी फंक्शनैलिटी के लिए। बाकी डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिए, एब्स आर नॉट मेड इन द जिम, एब्स आर मेड इन द किचन। उसके लिए फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर एंड सेव अस। कपल ऑफ डेज अगो अकीरा का बर्थडे था। और अकीरा इज टर्न 8 ईयर्स ओल्ड। आई कॉल फॉर सम केक्स एंड दे रियली एंजॉयड इट। सी सम स्निपेट्स ऑफ इट, मैंने रिकॉर्ड किया है, आप देख सकते हो। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अकीरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday, bud. So this is Madhura, that's Dean. Madhura and Dean, I know them the entire life. Dean thinks, but I think also that Dean has no strength whatsoever. He has never worked out in his entire life, never stepped into a gym, neither followed a diet. Dean has ankle-losing spondylitis and Madhura has a dislocated ankle. Obviously, she will go to her physio, she will do all the treatment what she's required for the ankle. But I think weight loss also will help a lot. So Madhura is here for weight loss. She is 43-year-old, 4'10 in height and she's 85 kg. She's almost obese. And Dean, on the other hand, is 42-year-old, 5'10 in height, and he's only 77. But what I am going to do is that put him on a low carb diet, which will help him build the strength and lose the tummy. For him, I'm going to do a proper strength training workout, and for Madhura, it's going to be more fat loss workout. So more of cardio, more of functional workout. So it has to be very careful while working out. Hope to see you guys soon. I will also update on this series of my YouTube channel. Hopefully, in another 3 months, we'll see two different people altogether.